सबको नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मधुबाबू, संजीवनी प्रकृति का आश्रम से। दोस्तों, आजकल हम हार्ट अटैक के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, है ना। हम आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इस समस्या से प्रभावित होने के बारे में सुनते हैं। रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण रक्तवाहिका में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं और रक्त संचार कम हो जाता है। कम रक्त प्रवाह के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम होना हमारे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। ये सभी चीज़ों के कारण हमें हार्ट अटैक होता है। स्पेशलिस्ट के पास गए तो इसे स्टंट और बाईपास ऑपरेशन का जरूरत बोलती है। एक बहुत महंगी प्रक्रिया है और इसकी पुनरावृत्ति के कई गारंटी नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि हम सामान्य घरेलू सामग्री से ब्लड वेजल्स में रुकावट को कम कर सकते हैं? हमारे 25 साल के अनुभव में ऐसा करके कई लाख लोग बिना सर्जरी के इस सामान्य से ठीक हो चुके हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है अदरक का रस, लहसुन का रस, नींबू का रस और एप्पल सिडर विनेगर। एक ग्लास पानी लो और इन सभी सामग्रियों को आधा चम्मच से मिलाइए। इसे गैस पर रखिए और आधा गिलास होने तक पकाइए। तेज आंच पर ना पकाए। ठंडा होने के बाद इसे आधा चम्मच शहद के साथ पिए। ऐसा दिन में दो बार सुबह और शाम करें। 3 महीने तक ईमानदारी से ऐसा करने पर आपकी रक्त वाहिनियों की रुकावट दूर हो जाएगी, आपका रक्त संचार बेहतर होगा और आपके हृदय की कार्य प्रणाली भी बेहतर होगी। अधिक वजन कम करें, तनाव कम करें, उचित नींद लें और आप आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे। हमारे संजीवनी आश्रम में ये उपचार कराकर कुछ लाख लोगों ने इस समस्या से छुटकारा पाया है। हमारे उपचार प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए संजीवनी प्रकृति आश्रम हैदराबाद से संपर्क कीजिए। नीचे स्क्रोलिंग होने वाला नंबर पर संपर्क कीजिए और फिर मिलेंगे। नमस्कार।